नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आइए चलिए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी को महादान की सामग्रियां अरोगाई जाएंगी। वस्त्र पिछवाई खंड सभी भोपाल साई लहरिया के धराए जाएंगे, जबकि कांचनी सूथन पीताम्बर सभी लहरिया के धराए जाएंगे। आभरण तथा मुकुट जड़ाऊ आएंगे। वनमाला का श्रृंगार धराया जाएगा तथा ठाड़े वस्त्र श्वेत धराए जाएंगे। पद दान के गाए जाएंगे। श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने मनाया माता महालक्ष्मी का पाठोत्सव। अनमोल का कुश्ती में चयन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। भगत प्यारेलाल पैदल यात्रा संघ ने किए 40 वर्ष पूरे। नगर पालिका वार्ड आरक्षण निर्धारण सोमवार को संभव। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्रीमाली समाज के सुखाड़िया नगर स्थित भवन के हैं। शनिवार को श्रीमाली ब्राह्मण समाज मेवाड़ संस्थान नाथ द्वारा ने अपनी कुलदेवी माता महालक्ष्मी का पाठोत्सव मनाया। मध्य रात्रि को नगर के सुखाड़िया नगर स्थित इस समाज भवन में धूमधाम से यह आयोजन किया गया। पंडित जटाशंकर श्रीमाली वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तथा दुर्गा शंकर श्रीमाली ने माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इस अवसर पर चंद्रेश श्रीमाली, एडवोकेट योगेश श्रीमाली व हितेश श्रीमाली ने माता जी के भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष गुलाब शंकर दुर्गावत, सचिव रामचंद्र परागोत, नर्मदा शंकर श्रीमाली, श्याम सुंदर श्रीमाली, दया शंकर श्रीमाली, जियालाल श्रीमाली, अशोक श्रीमाली, पृथ्वीराज श्रीमाली, महेश श्रीमाली, रमनलाल त्रिवेदी सहित समाज के कई महिला पुरुष सम्मिलित हुए। दोस्तों, यह समाचार थोड़े अलग हटकर हैं, पर हमारे नाथद्वारा के इतिहास से जुड़े हुए हैं। आपने भी भगत प्यारेलाल का नाम अवश्य सुना होगा। उन्होंने ही पहली बार नाथद्वारा से आवरी माता पैदल यात्रा करना शुरू किया था। प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन ने इस बार 40 वर्ष पूरे किए और 41वें वर्ष में प्रवेश किया। वर्तमान में उनके ही नाम से भगत प्यारेलाल पैदल यात्रा संघ आवरी माता बना हुआ है, जिसके 40 सदस्य गत बुधवार को आवरी माता जाने के लिए पैदल यात्रा करते हुए निकले। यह दल एक रात्रि का विश्राम श्री सांवरिया जी में करता है। आवरी माता पहुंचकर अनेक आयोजन किए जाते हैं, उनमें शनिवार को आवरी माता में पाठ पूजा होती है और रात्रि जागरण जिसमें अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। रविवार को पुनः वापसी होती है। शनि महाराज होते हुए कपासन के रास्ते नाथद्वारा पहुंचते हैं। दल के श्री शंभु सोनी ने बताया कि यह दल रास्ते में गौरी जैसे आयोजन में शामिल होता है, लोक नृत्य का आनंद लेता है, कहीं कहीं भजन आदि के भी आयोजन होते हैं जिसमें भी शामिल होता है, उनके आनंद लेते हैं। आइए थोड़ा आनंद आप भी लीजिए। राजी ना सोरे राजी इस वर्ष भी रविवार को पुनः नाथद्वारा पहुंचने के साथ यह यात्रा पूर्ण हुई। अगर आप पुष्टि सेवा के लिए शिला स्वरूप तैयार करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अलौकिक पुष्टि सेवा स्वरूप और साध्य साहित्य वल्लभपुरा श्रीनाथ द्वारा। पुष्टि सेवा के लिए बर्तन तथा खिलौनों की आवश्यकता होने पर संपर्क करें शुभम जेम्स एंड ज्वेलर्स, प्रीतम पोल, खेड़ा देवी के पास श्रीनाथ द्वारा।
अंतर महाविद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता में नाथद्वारा के अनमोल सनाट्य का ऑल इंडिया लेवल पर चयन हुआ है। अहिल्याकुंड मित्र मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रहलाद सनाट्य ने जानकारी देते हुए बताया, नगर के सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज में अध्ययनरत अनमोल सनाट्य हिसार में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और अब खबर फिर नगरपालिका की। नगरपालिका चुनावों के लिए वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जानकारी के अनुसार सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में पुनः गोटियां डाली जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि गत सप्ताह हुए घटनाक्रम में नाथद्वारा नगरपालिका के लिए वार्डों में आरक्षण का निर्धारण करने के बाद यह ज्ञात हुआ था कि उसमें कुछ वार्डों में विसंगतियां पाई गई हैं। जांच किए जाने पर वे विसंगतियां सही पाई गई थीं। सर्वे तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण करने के बाद यह जानकारी मिली है कि सोमवार को ही लॉटरियों द्वारा पुनः वार्डों में आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाएगा, लेकिन इस बारे में अभी तक आधिकारिक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस अति चर्चित रहे प्रकरण पर नजर रखने के लिए कल के घटनाक्रम अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मैं भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, तरुण दवे एवं कैलाश पालीवाल के साथ विदा लेती हूँ।